नहीं रहे महाभारत के शकुनी मामा गुफी पेंटल। उनके अंतिम दर्शन के लिए दिखाई दिए महाभारत के कहीं उनके साथी। साल पुरानी है। राहुल रवेल ने एक फिल्म बनाई थी गुनाहगार, उसमें ये असिस्टेंट थे। उसके बाद रवेल साहब ने लैला मजनू बनाई, उसमें ये प्रोडक्शन देख रहे थे। काफ़ी सालों से ये बतौर कलाकार जद्दोजहद परिश्रम कर रहे थे, कोई रास्ता मिल नहीं रहा था इन्हें। इनकी इच्छा तो कलाकार ही बनने की थी, लेकिन जब इनकी वाबस्तगी बीआर फिल्म से हुई, बीआर फिल्म्स के ये कास्टिंग डायरेक्टर हुए, तो वहाँ उन्हें ये किरदार मिला। और ये किरदार नहीं है, ये अपने आप में एक इतिहास है। जिस तरीके से महाभारत सीरियल, उसका कोई रिकॉर्ड तोड़ नहीं सकता। वो अपने आप में एक संगे मील है, वो अपने आप में एक कीर्तिमान है। 96% TRP तो आज आदमी सपने में भी नहीं सोच सकता। सड़कें सुनसान हो जाती थीं, हर चीज़ जो है रुक जाती थी, और ऐसा लगता था कि पूरे मुल्क में कर्फ्यू लगा है जब महाभारत स्क्रीन होती थी। और जो शकुनी मामा का किरदार है, वो तो एक यादगार है, वो एक तारीख बन गया है। वो उसे सुनहरे अक्षरों में दर्ज किया जा चुका है, वो कभी कोई भूल सकता नहीं है। वो एक ऐसा किरदार उन्होंने निभाया है, आज भी इतने साल हो गए, जिस तरीके से लोग गब्बर सिंह को आज तक नहीं भूले, जिस तरीके से लोग आज तक मोगैम्बो को नहीं भूले, इसी तरीके से लोग शकुनी मामा को याद करते हैं। और 3 साल पहले प्ले हुआ था महाभारत का, जो मैं दिल्ली देखने गया था, और इनकी एंट्री पे जो तालियां बजी थीं, जो शोर हुआ था,
ऐसा लग रहा था कि कोई रॉक स्टार, कोई सुपर स्टार आ गया है। तो लोगों के जहनों में आज भी ये किरदार जो है इनका जिंदा रहा है। देखिए, जिंदगी और मौत तो ऊपर वाले के हाथ में होती है। कुछ लोग 100 फिल्में करते हैं, 200 फिल्में करते हैं, तभी भी अपनी पहचान नहीं बना पाते हैं। इन्होंने तो एक किरदार करके ना सिर्फ अपनी पहचान बनाई, जो उनका एक 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 मखसूस अंदाज था बात करने का, आंखें घुमाने का, बॉडी लैंग्वेज, तो वो किरदार जो है वो इतिहास हो गया है। वो कभी दर्शक उसे भुला नहीं पाएंगे। आप 400 फिल्में कर लें, आप 500 फिल्में कर लें और आप अपनी कोई जगह बना ना पाएं, लेकिन एक किरदार करके एक इंसान 35 साल से ज़्यादा हो गए महाभारत को टेलीकास्ट हुए, आज भी बच्चे बच्चे की जबान पे, दर्शकों की जबान पे शकुनी मामा का नाम है। तो आज वो हमारे बीच नहीं है, आज वो चले गए हैं, लेकिन जो उनका किया हुआ काम है, जो उनका किया हुआ एक किरदार है, वो सारी जिंदगी ता कयामत जो है वो फरामोश नहीं किया जा सकता। हमारे ना सिर्फ मेरे क्वेक्टर रह चुके हैं बल्कि बहुत क्लोज फैमिली फ्रेंड भी बन गए थे। पिछले 20-25 सालों से हम लोगों का फैमिली में इंटरेक्शन लगातार रहा है, दुख में सुख में हमेशा साथ में, उनकी फैमिली के साथ, मेरी फैमिली के साथ हम लोगों ने बहुत समय साथ बिताया। कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे और बीच में उनके बेटे हैरी से बात होती रहती थी, तो उसने बोला कि बीच जगह से पता चलता रहा कि रिकवर कर रहे हैं, शायद जल्द ही ठीक होने के आसार भी लग रहे थे। तो इस चीज़ की खुशी हो रही थी कि चलो जल्दी से हॉस्पिटल से घर आएँ। और लेकिन आज सुबह बहुत ही शॉक लगा हम सबको, मेरी वाइफ जो कि
उनकी मुँह के बहुत करीब हैं, मतलब बेटा और बहू दोनों हमारे, हम लोगों का उन्हें आना जाना बहुत बिलीव ही नहीं कर पाए हम लोग को। और बस यही है, भगवान से ही प्रार्थना करेंगे कि इनकी आत्मा को शांति मिले, ज़िंदगी में ये मौत एक ऐसी जर्नी है ज़िंदगी से मौत तक, जो देखा जाए तो हम सबको ही निभानी है वो जर्नी। तो सर क्या बोलूँ, मैं तो बिलीव अभी तक बिलीव नहीं हो पा रहा मुझे। मैं तो जब उनको देखा तो मुझे लगा कि शायद अभी जान जाएंगे, क्योंकि जब भी उनके घर में मैं आता था तो मुझे ऐसे उठ के गले से गले लगा के मुझे वेलकम करते थे। क्या उनको बोलने वाला था कि गोपी जी गले नहीं लगाओ। दिस इज हाउ लाइफ इज एंड सर मास्क भी लगा दीजिए।